हेलो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी आई एम नियर ए आश्रम समवेयर इन केउंझर डिस्ट्रिक्ट। एज यू कैन सी इन माय बैकग्राउंड, दिस इज दी गेट ऑफ द आश्रम। सो वील गो वील एंटर इन टू द आश्रम एंड सी व्हाट द इमेट्स आर डूइंग। वील टेक ए स्नीक पीक इन टू द आश्रम, वील सी what this ashram is all about. Okay, I am taking through the gates. As you can see, it is situated in a crowded, in a secluded place somewhere in the vicinity of mountains. I will show you the hills once I enter inside. Where are the hills? What I was staying here for the before 3 to 4 years, I was also a inmate of this ashram, but unfortunately things didn't work out, so I have to leave. As you can see, these are the crops they have grown. Presently there are no students in the hostel. The people have all gone. It is due to corona. So my my conversation will be in two languages, one in English and another one is Hindi, so that everybody can understand. So this is, we are going through the gardens. These are the crops they have grown, the cash crops. This is the rose plantation, as you can see, and these are all mango trees. This is the neem tree, as you can see. They have garlanded it. वो फूल माला चढ़ा चुके हैं, तो नीम की पूजा वैसे होती है हम लोगों के यहाँ, तो ये है। और ये है हवन कुंड, आई विल शो यू, टेक यू थ्रू दी। ये देखिए, इधर होता है हवन। मैं भी यहीं पे था चंद साल पहले, ठीक है, तो यहीं पे था। ये है हवन कुंड, यहीं पे हवन पूजन इत्यादि होता है। और ये है आपका मेन मंदिर, अंदर तो फिलहाल बंद है, तो देखते हैं अगर वो लोग परमिशन देते हैं जाके ऊपर भी लेंगे वीडियो करके, मतलब आपका फुटेज में दिखाऊंगा। यहीं पे गुरुकुल चलता था, लेकिन फिलहाल तो स्टूडेंट सब, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं, वो कोरोना के वजह से वो निकल चुके हैं, तो फिलहाल गुरुकुल नहीं है। ये है आपका डाइनिंग हॉल, मैं दिखा देता हूँ। यहीं पे महाराज रहते हैं, मतलब इस ये कि इस आश्रम की जो देखरेख करते हैं, जो हेड हैं, यहीं पे रहते हैं, ठीक है। फिलहाल तो वो नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। यह किचन, किचन में रसोई चालू है, आप देख पा रहे हो। यहीं पे, मतलब जब स्टूडेंट्स थे तब यहाँ पे वो लोग खाना पकाते थे, कम से कम 60-70 डेली स्टूडेंट्स के लिए, और जो भी वहाँ पे गुरुजी लोग रहते थे वो खाना खाते थे। ये मौन व्रत धारण किए हुए ये बाबा है, ठीक है, ये कुछ बोलते नहीं, जिंदगी भर ये मौन ही रहेंगे। ये वो रिजोल्यूशन ले चुके हैं, ठीक है। इनके बारे में इंटरव्यू में हम लेंगे, तो ये भी अपलोड हो जाएगा। यही सब लोग रहते हैं यहीं पे। अभी मैं लेके चलता हूँ आपको डाइनिंग हॉल की तरफ। ये है डाइनिंग हॉल, यहीं पे बच्चे लोग आके खाना खाते हैं। मैं भी यहीं पे था, यहीं पे खाना खाता था, ठीक है। ये है आपका डाइनिंग हॉल, ये। और ये तो आप देख सक रहे हो, ये है गार्डन, वहां पे है कुआं, उसके पास भी लेके चलता हूं। ये है आ गया कुआं आपका, तो यहाँ पे और डीप बोरवेल भी है, वहां पे डीप बोरवेल से भी पानी निकलते हैं, ठीक है। ये रहा कुआं, तो ये सब खेती बाड़ी वो लोग किए हैं, तो ये खेती बाड़ी सारा का सारा।
ये हम एंटर कर रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में। ये आप देख पा रहे हो, ये है गर्भगृह। एक मिनट, ये चैतन्य महाप्रभु आप देख पा रहे हो। फिलहाल मंदिर तो बंद है, मैं बाहर से ही दिखा देता हूँ। ये है निगमानंद परमहंस जी। जैसे आपका आपके स्वामी योगानंद है, परमहंस योगानंद, वैसे ये निगमानंद परमहंस जी। तो हम इनके भक्त हैं, ये आप देख पा रहे हो। एक डेटी कौन है मैं आपको दिखाता हूँ। ये है निगमानंद परमहंस जी। जैसे आप स्वामी योगानंद परमहंस को सुने हैं, सुने होंगे, तो ये वैसे भी एक सिद्ध महापुरुष है। तो इनके हम लोग डेवोटीस हैं। यहाँ के इमेज सब मुझे बुला रहे हैं, मैं उनसे थोड़ा मतलब, यहाँ पे देखिए पूरा टोटल ऐसी भीड़ है। अभी ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये विग्रह के लिए ये सब इनके अरेंजमेंट्स हैं। आप देख पा रहे हो उनके बेड, ये रहा उनकी पूजा सामग्री, पूजा थाली, ये सब। तो एसी फिटिंग है, वहाँ पे उनका किचन है, खाना रोज भोग लगता है। तो यही सब है। ये हम आ रहे हैं टॉप फ्लोर पे। ये है मंदिर की, उसको जो भी गुंबद कहते हैं, ये गुंबद। और इसके ऊपर देखे आपका भगवा झंडा लहरा रहा है। ये यहीं से आप गार्डन भी देख सकते हो, वो जो नीचे मैंने दिखाया था आपको, ये यहीं पे पूरा गार्डन है।